सो गाइस, अगर आप भी इस पर क्रिमिनल को मेरी तरह बिल्कुल कम डायमंड में निकालना चाहते हो तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक करो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर इस पर्पल क्रिमिनल को कितने कम से कम डायमंड में ले सकते हो। यार इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड नहीं, बस यार बहुत ही कम डायमंड लगने वाला है, और कितना कम डायमंड लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड मैं आपको बता दूँ ये कोई टोकन से नहीं निकलने वाला, कि यहाँ पे देख लो वैसे कि कोई टोकन वगैरह इसमें नहीं दिया गया, तो डायमंड तो खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए अब मैं आपको बता दूँ कितना कम से कम डायमंड में ये निकल सकता है। कम से कम यार यहाँ पे देख लो आपको लक पॉइंट 100 अगर कर देते हो तो 100% ये पर्पल क्रिमिनल आप लोग को मिल जाता है। तो और 100 लक करने के लिए आप लोग को डायमंड कितना लगने वाला है ये ध्यान से देख लो। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग गोल्ड रॉयल में आके देख सकते हो, यहाँ पे 100 करने पे ये जो बंडल है ना आसानी से मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यार इस क्रिमिनल को भी यानी कि आसानी से पर्पल क्रिमिनल को ले सकते हो 100 लक पॉइंट करके, और 100 लक पॉइंट करने में आपको यहाँ पे 4000 डायमंड लगने वाले। लेकिन यार यहाँ पे 5 स्पिन करोगे तो 180 का मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग 3000 डायमंड में आसानी से इस पर्पल क्रिमिनल को ले सकते हो। तो अगर आप लोग 3000 डायमंड खर्च करोगे तो ये पर्पल क्रिमिनल आप लोग को बिल्कुल आसानी से 3000 डायमंड में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।